गुड आफ्टरनून। ये आपके स्प्रिंग लोडेड गवर्नर का क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इन ए स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल टाइप गवर्नर द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स आर 80 mm एंड 120 mm, मींस लिमिटिंग रेडियस गिवन है और कितना है आपका मिनिमम रेडियस R1 इक्वल टू 80 mm एंड मैक्सिमम रेडियस R2 इक्वल टू 120 mm। द बॉल आर्म एंड द स्लीव आर्म ऑफ द बेल क्रैंक लीवर आर इक्वल इन लेंथ। जब भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था हार्टनेल गवर्नर का, यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट गवर्नर आपका रोटेट कर रहा है। आपका रोलर का पॉइंट आर है, यह आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्म, यहाँ पर हमारी बॉल की पोजिशन है। सो इस केस में आपका ये हमारा वाई होता था, यह एक्स होता था। मीन्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों आर्म्स हमारी इक्वल लेंथ की हैं, तो उस केस में कितना होगा एक्स इक्वल टू वाई। द मास ऑफ द ईच बॉल इज 2 kg, मीन्स आपका स्मॉल एम का वैल्यू हमारा 2 kg है। इफ द स्पीड ऑफ द टू एक्सट्रीम पोजिशन आर 400 and 420 rpm, दो एक्सट्रीम पोजिशन पर आपका स्पीड मेंशन है, मीन्स n1 इक्वल टू 400 rpm, n2 इक्वल टू 420 rpm। कैलकुलेट करना है आपको इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए गिवन वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें बेसिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन जो आर्म्स की ऑब्लिकेटिव इफेक्ट है उसको निग्लेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो जब भी हम ऑब्लिकेटिव इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे उस समय जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स एंड y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y। तो उस समय जो आपका फॉर्मूला ड्राइव होगा इस केस में वो होगा, हमने बात की थी जब भी आप ऑब्लिकेटिव इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे उस समय mg प्लस s1 इक्वल टू 2 टाइम्स y fc1 मल्टीप्लाइड बाई x एंड मैक्सिमम केस में mg प्लस s2 इक्वल टू 2 बाई y fc2 मल्टीप्लाइड बाई x। ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं, इनका हम यूज करके यहाँ पर s1 और s2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो आपका फॉर्मूला बनेगा mg प्लस s1 इक्वल टू 2 टाइम्स fc1 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइड बाई y। यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल M की वैल्यू मेंशन ना हो तो इसको हमें 0 लेके चलनी होती है, मींस मास ऑफ द सेंट्रल स्लीव अगर आपका मेंशन नहीं है तो इसको आपको 0 लेके चलना है। तो s1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स fc1 मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइड बाई y, और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू क्या है आपकी इक्वल है, क्वेश्चन में मेंशन है हमारा दोनों की वैल्यू इक्वल है, मीन्स x इक्वल टू y हो जाएगा। तो s1 इक्वल टू 2 fc1। अब हमें fc1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। fc1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, fc1 इक्वल टू कितना होगा m ओमेगा 1 स्क्वायर r1। एम का वैल्यू मेंशन है आपका 2 kg है, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 का वैल्यू कितना होगा 2π n1 डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r1 का वैल्यू है आपका 80 mm, सो 0.08। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी टोटल आपकी वारी 281 newton। सो s1 इक्वल टू 2 टाइम्स 281 newton,
और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी टोटल 562 न्यूटन, ये हमारा मिनिमम लोड हो गया। सेकंड, मैक्सिमम के केस में आपका एम जी प्लस एस टू इक्वल टू टू टाइम्स एफ सी टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइड बाई वाई। सो अगेन एम इक्वल टू जीरो, सो एस टू इक्वल टू टू टाइम्स एफ सी टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइड बाई वाई। बोथ आर्म्स इक्वल इन लेंथ, दैट्स वाई टू टाइम्स एफ सी टू एस टू इक्वल टू। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर्स एम ओमेगा टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर टू। सो टू मल्टीप्लाइड बाई एयर एम की दी वैल्यू, गिवन वैल्यू ऑफ एम इज टू के जी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू इक्वल टू टू पाई एन टू डिवाइड बाई 60 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, मैक्सिमम रेडियस इज 120 एम एम मीन्स 0.120। सॉल्व दिस, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 930 न्यूटन। अब हमें क्वेश्चन में जो आपका फाइंड आउट करना है वो हमारा इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली आपका स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग होता है। इनिशियल कंप्रेशन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सिस है गवर्नर का रोटेशन, यहाँ पर हमारा रोलर का पॉइंट है, ये आपका वर्टिकल आर्म, ये आपका हॉरिजॉन्टल आर्म, यहाँ पर आपको पता है स्प्रिंग होंगी। अब इनिशियल लोड की वजह से जब आपका लोड S1 लग रहा है उस समय हमारी स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होंगी, तो सभी को पता है हमें स्टिफनेस इक्वल टू कितना होता है लोड डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन, इनिशियल लोड डिवाइड S1 डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन का मतलब इनिशियल कंप्रेशन। सो इनिशियल कंप्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू लोड एस वन डिवाइड बाई स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। सो इनिशियल कंप्रेशन इक्वल टू एस वन डिवाइड बाई स्टिफनेस, यहाँ पर आपको स्टिफनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टिफनेस एस इक्वल टू, स्टिफनेस एस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट लोड डिवाइड बाई टोटल स्लीव मोमेंट, एच की वैल्यू से हो जाएगा आपका एस टू माइनस एस वन डिवाइड बाई एच, यहाँ पर आपको एस टू और एस वन हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो वैल्यू आ रही है एस टू और एस वन 562 एंड 930। एच की वैल्यू और फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। सो एच इक्वल टू, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें जो एच की वैल्यू आर टू माइनस आर वन मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइड बाई एक्स, आर टू माइनस आर वन मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइड बाई एक्स, आर टू की वैल्यू आपकी मेंशन है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाई आर वन आपका 80, यहाँ पर एक्स और वाई इक्वल है मीन्स मल्टीप्लाइड बाई वन हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 40 एम एम। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एस इक्वल टू एस टू माइनस एस वन डिवाइड बाई एच, ये जो आपका बनेगा
930 माइनस 562 डिवाइड बाई 40 और ये आएगा आपका 9.2 न्यूटन पर एनएम। सो यू कैन कैलकुलेट इनिशियल कंप्रेशन। इनिशियल कंप्रेशन इक्वल टू S1 डिवाइड बाई S। द वैल्यू ऑफ S1 इज इक्वल टू 562 डिवाइड बाई स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग 9.2 तो ये आएगी आपकी 61 mm। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना था वो था हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट यही होता हमारा स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। सो सेकंड आपका स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.2 न्यूटन पर mm। ये हो गई आपकी दोनों वैल्यू, एक 61 mm, दूसरा आपका स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग 9.2। थैंक यू।